खादी एक ऐसा फैब्रिक है जिसके इस्तेमाल से गर्मी में गर्मी कम लगती है और सर्दी में इसे यदि पहना जाए तो सर्दी का एहसास भी कम होता है। 100% सूती होने के साथ साथ इसके निर्माण प्रक्रिया इसे और भी खास बनाती है। इसी तरह सिल्क भी है जो न केवल रॉयल लुक देता है बल्कि त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सिल्क और खादी के खूबसूरत परिधानों के लिए इन दिनों शहर में 16 दिवसीय खादी बाजार 2020 की प्रदर्शनी जारी है। देश के दूर दराज के गांवों की कारीगरी को लोगों तक सीधा पहुंचाने के उद्देश्य से खादी ग्राम उद्योग भवन, खादी ग्राम उद्योग आयोग एवं सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये खादी बाजार लगाया गया है। पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के अर्बन हाट बाजार में लगे इस खास बाजार में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के गांव गायसबाड़ी से आए बुनकर जुल्फिकार अली मसलिन खादी और सिल्क खादी लेकर आए हैं। वे बताते हैं कि उनके गांव में अधिकांश परिवार मसलिन खादी और सिल्क खादी की वस्तुएं बनाते हैं। मसलिन खादी 100% सूती होती है और इसके धागे बहुत महीन व पास पास होते हैं। ये खादी का बहुत ही फाइन रूप है। इसके लिए चरखे पर ही सूत काटा जाता है और उससे कपड़ा बनाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह हथकरघा पर ही निर्भर होती है। आज भी इसमें पावरलूम का प्रयोग नहीं होता है। सूत काटने का काम बेशक महिलाओं के जिम्मे है लेकिन कपड़े की बुनाई महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। सिल्क खादी का निर्माण कोकुन से होता है और इसकी कटाई भी चरखे पर होती है। रेशम पाने के लिए कोकुन की खेती भी हमारे गाँव में होती है। मसलिन सिल्क की धोती, कुर्ते, शर्ट, साड़ी और ड्रेस मटेरियल बनते हैं और सिल्क खादी से भी कई डिज़ाइन गारमेंट्स बनने लगे हैं। प्रदर्शनी के संयोजक पंकज दुबे ने बताया कि यहाँ केवल खादी और सिल्क के कपड़े ही नहीं बल्कि बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनमें रोज़मर्रा की ज़रूरतें, घर की सजावट और स्वाद व पूजन से संबंधित सामग्रियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ IOCL, गेल इंडिया तथा ऑयल इंडिया के कूपन भी रिडीम किए जा सकते हैं। ये कूपन स्टॉल नंबर 16 व 17 पर रिडीम हो रहे हैं। गत वर्ष 65 लाख की बिक्री हुई थी जबकि इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।